महाराष्ट्र विधानसभा परिषद की उपसभापति नीलम गोरहे ने मंगलवार को कहा कि विधानमंडल के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। गोरहे 7 सितंबर को यहां आरंभ होने वाले सत्र की तैयारियों की समीक्षा के बाद विधान भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण की मराठा समुदाय की मांग ने पिछले महीने उस समय जोर पकड़ लिया था जब कार्यकर्ता मनोज जारांगी ने इस मुद्दे पर भूख हड़ताल शुरू की थी। इस दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में आरक्षण आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया था। महाराष्ट्र विधानसभा परिषद की उपसभापति नीलम गोरहे ने मंगलवार को कहा कि विधानमंडल के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। गोरहे 7 सितंबर को यहां आरंभ होने वाले सत्र की तैयारियों की समीक्षा के बाद विधान भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण की मराठा समुदाय की मांग ने पिछले महीने उस समय जोर पकड़ लिया था जब कार्यकर्ता मनोज जारांगी ने इस मुद्दे पर भूख हड़ताल शुरू की थी। इस दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में आरक्षण आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया था।